नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्रा। मैं बेंगलोर से आया हूँ। मैं 3 साल से ये ध्यान में आया और मेरी आने की रीज़न है कि मेरे थ्रू माय मिस वाइफ एंड चिल्ड्रन दे ब्रॉट मी, से उन लोग मेरे को ध्यान में लेके आया है। और दूसरा, मैं बेंगलोर आते ही दूसरा दोस्त के वजह से एक सोल फ्रेंड्स में ज्वाइन हुआ था। वो मास्टर चंद्रा सर से जुड़े हुए थे, उन लोग रेगुलरली ध्यान करता था सर, वहाँ पे ऐसी मेरा शुरू हुआ है। और लॉकडाउन पीरियड में पूरा का पूरा हम लोग ये क्लासेस अटेंड करता था। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक क्लासेस अटेंड करता था, ऐसी मेरा ध्यान का ये है। दूसरा क्या है कि पहले मैं इरिटेटिव था, दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मेरा था, क्या कि थोड़ा बीपी था और गुस्सा ज़्यादा होना, ये सब कुछ रहता था। बाद में जब मैं 10 दिन करने के बाद ही मेरे को इतना रिलीफ आया कि पहले डेली विदाउट टैबलेट बगैर टैबलेट का मैं नहीं रह सकता था, बट उसके बाद मैं 10 दिन के बाद मैं टैबलेट पूरा खाना भी छोड़ दिया। अभी एक भी टैबलेट, 20 साल जो लिया था टैबलेट्स, वो अभी मैं एक भी नहीं ले रहा हूँ एंड मैं बिल्कुल बराबर हूँ। एंड पत्री सर का जो भी जो लेसन सुनता हूँ, उनका जो भाषण का जो, उससे मैं प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी ट्राई करता हूँ रहता हूँ। दूसरा क्या है कि मैं पहले 40 साल सिगरेट पीता था। मेरा पहले जहाँ भी सिगरेट कंपनी में था, उसके बाद मैं स्लोली अभी सिगरेट पूरा बंद करके 6-8 महीना हो गया, अभी एक भी सिगरेट भी नहीं ले रहा हूँ। रेगुलरली ध्यान करता हूँ और साथ में फैमिली के साथ में हम लोग तीनों मिलके ही और फ्रेंड के साथ मिलके हम लोग ध्यान करते हैं। अभी हम लोग यहाँ महेश्वर पिरमिड को आए हैं ये ध्यान जगत के लिए। और बेंगलोर में भी जब तक कुछ भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं उस वक्त हम जाते हैं और एंजॉय करके आते हैं। और पत्री जी सर, जब उनके साथ में हम लोग मिला हुआ था और इतना कुछ होता था कि जब हम लोग वहाँ पे रहते हैं और सबके साथ में मिंगल होके रहते हैं तो मेंटली आप लोग इतना अच्छा से रहता है कि टाइम पास भी होता है, हेल्थ का भी अच्छा रहता है, सब कुछ ऐसे रहता है। सो मेरा ये है मानना है कि और जो भी हम थोड़ा थोड़ा सीखता है दूसरा किसी को बोलने के लिए भी कोशिश करता हूँ। मेरा क्या है कि घर में एक नौकरानी है, उनको 2-3 बच्चा है। जब वो आती है तो मैं बोला उनका बच्चा को लेके आओ, मैं सिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, सो दैट और बच्चे लोग भी थोड़ा आदत होंगे उनको भी और बराबर पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा सब कुछ उनका। बोल के ऐसी बच्चा को भी बुला के थोड़ा थोड़ा बोलना, जो भी थोड़ा सिखा के उनको कम से कम 10-15 मिनट बिठाता था, कम से कम आँख बंद करा के बैठो, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बोल के ऐसी बिठा के हम ऐसी। और दूसरा जिसको कुछ भी डाउट आया दूसरों फ्रेंड्स को थोड़ा थोड़ा बता के सबको, ऐसी मेरा ध्यान का चल रहा है अच्छा से। नाउ प्रेजेंटली आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे सिखाया गया था कि बस आराम से बैठो और नीड नॉट बी स्ट्रेट, अच्छा आराम से बैठ के जैसे आप कंफर्टेबल रहेंगे ऐसी चेयर में या नीचे बैठो। बाद में दोनों हाथ उंगली का उंगली ऐसी लगा लो और दोनों पांव क्रॉस करने का और आँख बंद करके अपना जो श्वास है अंदर जो जाता है बाहर है उनको जस्ट ऑब्जर्व करते रहने का है, ऐसी सीखा। दूसरा क्या है कि हम लोग का माइंड में पूरा का पूरा कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो जब चलते हैं उनको कट करने के लिए हम लोग पूरा वो ध्यान का उसका श्वास के ऊपर हम लोग ये ध्यान लगा रहे। आसान है बट ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता था तो स्लोली इंक्रीज किया। पहले 10 मिनट करने के बाद आंख खोल देता था
और थोड़ा पाँव दर्द होने लगना, हाथ खींचना, ये सब रहता था। बट बाद में जब क्लासेस सुना, सी दिस इज नथिंग बट एनर्जी फ्लो है, उसके वजह से जो भी है, जो याद करते वक्त जो आता है वो खुद ऑटोमेटिकली मिट जाएगा उसके बाद, और जो भी अंदर का जो प्रॉब्लम्स होता है वो सब रिलीव हो रहा है। उसीलिए आप ऐसे ही बैठ के कंटिन्यू करो, आपको और अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे बोल के सुना है। जब मैं ध्यान में आया उसके बाद मैं पूरा एक हफ्ते के बाद ही इमिडिएटली पूरा का मेडिसिन, जो भी डेली विदाउट मेडिसिन एक जो रहता था वो पूरा छूट गया। अभी एक भी मेडिसिन 3 साल से मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। जो पत्री सर का जो 18 रूल्स जो है उनको फॉलो करने के लिए मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, क्योंकि साइलेंट रहूँ। सी दूसरों लोग जो भी बोलता है कुछ भी हम लोग को इरिटेट करने की जैसे बात करने से भी कुछ हमको अगर पसंद नहीं है कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठो ठीक है सुन के चले जाता हूँ। ओनली जब चाहिए तभी मैक्सिमम मैं बगैर बाजी चुप बैठता हूँ। सब व्यक्ति शाकाहारी होने का है क्योंकि उनका मेडिटेशन करने के लिए और अच्छा सा ईट करने के लिए आसान हो भी होता है। हम उनको बताते हैं सी जो लोग मेडिटेशन नहीं करता है, दोस्त लोग जो भी है पहचान का है कि उनको बोलने के लिए ट्राई करते हैं, उनको बताएंगे अगर सुना तो ठीक है, नहीं तो एक नमस्कार करके छोड़ते हैं। हम बताते हैं क्यों क्या 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 बेनिफिट है, मेरा खुद का क्या बेनिफिट है वो सब बताते हैं हम, क्योंकि दूसरों का एक्सपीरियंस कोई बोलने से कोई सुनने वाला नहीं रहता है। खुद का जो भी है वो बताने से जो लोग उनको किसको मालूम है कि मैं यहाँ मैं सिगरेट पीता हूँ, ये सब पहले करता था अभी सब छोड़ दिया, हाँ देख रहे इसका इतना बदलाव आया तो हम भी ना क्यों करें, बल्कि उन लोग को भी सोचने के जैसे होता है। कुछ एक दिन एक दिन, आज से ही आज नहीं तो कल शुरू करो और जितना तक होता है ट्राई करो, 5 मिनट बैठने से 5 मिनट कम से कम बैठ करके, क्योंकि हम लोग का एनर्जी पूरा ये बात करने से और देखने में भी पूरा चले जाता है। वो सब हम लोग फिर एनर्जी गेन करने के लिए सी एक्चुअली हम लोग जब भी एग्जाम्पल देने के है तो सी एक्चुअली हम लोग रात में खा के अच्छा से सोता है, सुबह उठते ही कैसे एकदम फ्रेश फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के लिए तो हम लोग खाना खाता है बट माइंड कुछ सोचता नहीं है, उसीलिए ऐसी सोने से क्या आता है कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होके आपको एनर्जी मिल रहा है। सो उसके लिए आप ये कॉस्मिक एनर्जी मिलने का है तो हम लोग बॉडी मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा से कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा, मेंटली एंड फिजिकली एवरीथिंग अच्छा सा रहेंगे। धन्यवाद।